वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचले मनोवम गदिं पाते वोचामि समय पाहुरु मृण मोसुद केवली भणिदम। समय सार परमागम का स्वाध्याय जो है काफी समय से चल रहा है और इसमें हमने जो है कर्ता कर्म अधिकार ये समापन की ओर है, समाप्त ही है, समाप्त प्राय ही है, बस अंतिम जो है कलश चल रहे हैं और ये कलश हमें ये बता रहे हैं कि इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु क्या थी, इसमें क्या कंटेंट था, क्या मूल बिंदु थे, उन्हीं को जो है संक्षिप्त रूप से जो है सार रूप में अंतिम में निष्कर्ष रूप में रखा जा रहा है। उसी के लिए ये जो कलश लिखे गए हैं, जो सात कलश हैं अंतिम, जिनमें से दो कलश तो 144वीं गाथा की जो टीका थी उसी के भाव से संबंधित थे, लेकिन जो शेष पांच कलश और हैं वो लगभग पूरे ही कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु से कुछ जुड़े हुए हैं। तो उनमें से हमने एक कलश तो पढ़ लिया था पांच में से, यानी कि 95 नंबर का कलश पढ़ लिया था, इसलिए अब उसकी डिटेल तो नहीं, लेकिन उस छंद को एक बार पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे, नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। क्या बात कही, ये तो सब बता चुके हैं कि जो विकल्प है वो कर्म है और विकल्प को करने वाला उसका कर्ता है, और यही एक कर्ता कर्म है, इसके अलावा पर वस्तुओं में तो कर्ता कर्म संबंध बनता ही नहीं है, स्वद्रव्य में ही बनता है, और ये विकल्प सिर्फ अज्ञानी के ही जीवन में होता है, इसलिए अज्ञानी ही कर्ता बन सकता है, ज्ञानी तो कर्ता बन ही नहीं सकता। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और विकल्प की भी परिभाषा, विकल्प का भी जो अर्थ करते हुए क्या कहा था, ये कहा था कि जो चार मिथ्या बुद्धियां हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन्हीं का नाम विकल्प है, और इन मिथ्या बुद्धियों को जो करता है वही अज्ञानी जीव उनका कर्ता होता है। तो यहाँ पर विकल्प का अर्थ मिथ्या बुद्धि हुई, विकल्प का अर्थ जो विकल्प हम समझते हैं है वो विकल्प नहीं है, क्योंकि वो विकल्प तो चारित्र मोह के उदय से भी होता है, ज्ञानियों को भी होता है, ज्ञानी जीव के जीवन में भी बहुत विकल्प होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्ल ध्यान की अवस्था में श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराजों को भी अबुद्धिपूर्वक विकल्प वहां भी चालू रहते हैं, अबुद्धिपूर्वक शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान की चार भेद है ना, पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क, पता है ना ये तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये जो ध्यान है ये क्या बताते हैं, ये यही तो बताते हैं कि द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पर है, अर्थ से व्यंजन पर, व्यंजन से अर्थ पर, भाव पर, परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान का चलना, वो एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क इस तरीके के ध्यान है। इसलिए शुक्ल ध्यान की अवस्था में भी जब आत्मा पूरी तरह से लीन है अपने स्वभाव में, मैं शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ रहे हैं, बाहर से कोई देखे तो कहेगा अरे बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था है, लेकिन ऐसी निर्विकल्प अवस्था में भी सूक्ष्म विचार अबुद्धिपूर्वक चलते हैं, स्वयं उन मुनिराज को भी पता नहीं होते, सिर्फ केवल ज्ञान गम्य होते हैं, इतने सूक्ष्म विकल्प। तो यदि हम यहाँ पर विकल्प का अर्थ वो वाला विकल्प करने लग जाएं जो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चलता है, तो फिर गलत हो जाएगा इसका अर्थ, ये जो सेंटेंस पूरा बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ जो विकल्प का अर्थ है वो दर्शन मोह से संबंधित विकल्प है, चारित्र मोह से संबंधित विकल्प नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। दो प्रकार के विकल्प है, एक दर्शन मोह से संबंधित, एक चारित्र मोह से संबंधित। चारित्र मोह से संबंधित विकल्प तो ज्ञानियों के भी पाए जाते हैं, लेकिन दर्शन मोह से संबंधित जो विकल्प यानी कि चार मिथ्या बुद्धियां, वे तो अज्ञानी को ही पाई जाती, ज्ञानी को नहीं पाई जाती, ऐसा बताया, ठीक है। इसके बाद में जो है 96 नंबर का जो कलश है 96, ये 95 तो अपन ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन जो 96 नंबर का कलश है वो क्या है,
जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। कितने सीधे और सरल ऐसा लगता है ये तो गद्य है, पद्य थोड़ी है, ये तो गेयता का गुण डाल दिया है इसलिए बन गई बात, बाकी तो ऐसा लग रहा है गद्य है, कुछ है ही नहीं, एकदम क्लियर। एकदम जो है कमजोर से कमजोर बुद्धि का व्यक्ति हो कोई तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी ये भाई। बताइए कितने सरल हैं, एक शब्द भी इसमें कहीं कठिन नहीं। मूल संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा, संस्कृत तो अपने नहीं समझ में आती बात है ना, और ये रथोद्धता छंद है, इसकी लय भी थोड़ा सोचना पड़ेगी मेरे को क्या है, है? सोचेंगे तो शायद आ जाएगी उसकी भी, लेकिन कहने का मतलब रोला छंद तो अपने जुबान पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि 20 कलश इसके थे एक साथ इसलिए है। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। कैसी बात है, सोचिए, गजब बात है कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो करता है वो करता होता है, जो जानता है वो ज्ञाता होता है, और जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता नहीं है। इतनी सी बात है इस कलश में, तो ऐसा क्या मतलब है। हालांकि इस बारे में मैं बहुत समय पहले से ही आपको कहते आ रहा था, बहुत समय से ये कह रहा था कि जैनाचार्यों की दृष्टि में कर्ता का विलोम होता है ज्ञाता, और ज्ञाता का विलोम होता है कर्ता। और इस बात को मैंने उदाहरण से भी स्पष्ट किया, तर्क और युक्ति से भी स्पष्ट किया कि केवली के ज्ञान में जो कुछ ज्ञान हुआ है, यदि हम उसमें कुछ फेरफार कर दें, कुछ अदला बदली कर दें, कुछ आगे पीछे घटनाओं का क्रम बदल दें, तो कुछ कर दिया ना हमने, तो कर दिया तो जो ज्ञान हुआ था वो झूठा हो जाएगा, ज्ञान नहीं हुआ, फिर उसको ज्ञान कौन कहेगा, अज्ञान कहना पड़ेगा फिर उसे, क्योंकि जो जाना था वो गलत जाना था, क्योंकि उसमें फेरबदल हो गया। तो ज्ञान, यदि ज्ञान सच्चा है तो फेरबदल नहीं हो सकता, और यदि फेरबदल हो गया तो ज्ञान सच्चा नहीं है। इसका मतलब ज्ञान है तो करता नहीं है, है ज्ञाता है तो करता नहीं है, और करता है तो ज्ञाता नहीं, ऐसा मैंने आपको पहले ही समझाया था। लेकिन यहाँ पर और भी आप समझ सकते हैं, इसकी जो है भावार्थ में लिखा हुआ है बहुत कुछ, यहाँ तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश हो और अंधेरा हो, रात्रि का घना अंधेरा और सूर्य का प्रकाश, क्या ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं? दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञातापना जब आएगा तो कर्तापना नहीं रह सकता, और कर्तापना है तो ज्ञातापने का वहां कोई काम नहीं। इस प्रकार का दोनों में परस्पर घनघोर विरोध है। एक दूसरा भी उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। सम्यक्त्व है तो मिथ्यात्व चला जाता है, जब तक मिथ्यात्व है तब तक सम्यक्त्व नहीं है। ये दोनों परस्पर जिस प्रकार विरोधी हैं, उसी प्रकार से कर्ता भाव और ज्ञाता भाव परस्पर विरोधी, ये बात यहां बताई जा रही है। आप यूं देखिए कि जब हम कुछ करने धरने का सोचते हैं, कि जैसे मान लीजिए करने धरने की चीज तो चलो नहीं समझ में आएगी, लेकिन चारित्र मोह से संबंधित ही एक कषाय ऐसी लेते हैं उससे बात समझ में आएगी। जैसे क्रोध कषाय है, ठीक है, क्रोध, तो क्रोध जब आएगा तो ज्ञान रहेगा उस वक्त? क्रोध जब आता है तो विवेक पहले मर जाता है क्रोध आता है तो विवेक पहले मर जाता है, पता नहीं चलता, गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है, फिर बाद में वही आदमी पछताता है, बहुत पछताता है। लेकिन उससे जब पूछो, गुस्सा ठंडा हो जाए तो कहते, अरे भाई अब पछताते क्यों, गुस्सा तो तुम ही ने किया है, तुम खुद अपनी मर्जी से कर रहे थे, हैं? तो वो क्या कहेगा, अरे पता नहीं भाई, कैसे पता नहीं, यानी कि अज्ञान, गुस्सा है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान ढक जाता है। तो इसी तरह से ये ज्ञाता और कर्ता, यानी कसाय, कसाई एक प्रकार से विकल्प है, विकल्प माने कर्त, एक कसाय है, विकल्प है, राग है। तो जो राग है और ज्ञान है, इनमें परस्पर बहुत बड़ा विरोध है, दोनों अलग अलग चीज है। इसी को पंडित बनारसीदास जी कहते हैं, करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जानन हारा,
जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। चौपाई छंद है, जैसे रामायण में चौपाइयां बोलते ना, वैसी है ये। है ले नहीं बैठी मेरे से। करें कर्म सोई करता राम, जो जाने सो जाननहारा। कितना है, कुछ है ही नहीं, सीधा सरल है। करे कर्म सो करता राम, और जो जाने सो जाननहारा। जो करता नहीं जाने सोई, जो करता बनेगा वो जानता नहीं है। क्या नहीं जानता है? अच्छा मैं ये पुस्तक लिखता हूं तो क्या मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं? है जो क्या कह रहे हैं, जो जो करता है वो जानता नहीं है। क्या मतलब कि जो कुछ करता है ना, वो जगत की चीजों को तो जानता है लेकिन अपने आत्मा की चीज को नहीं जानता है, ऐसा अर्थ है। करता है तो करता किसका है, स्वद्रव का कि परद्रव का? कि जब परद्रव का कर्ता बनता है तो स्वद्रव की तो ज्ञान उसको होता ही नहीं उस वक्त, ऐसा। कर्ता बुद्धि, और जाने सो करता नहीं हुई। और जो आत्मा को जानता है वो ये जानता है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसा जानता है। तो इस प्रकार से ज्ञाता और कर्ता ये दोनों परस्पर विरोधी विरोधी चीजें हैं। ठीक है, बहुत छोटा कलश थे, छोटे छोटे ही कलश हैं। अब इसके बाद में जो है 97 नंबर का जो कलश है वो क्या कहता है, देखो 97 नंबर का कलश ये आएगा, ये ऊपर। करने रूप क्रिया में जानना भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता कर्ता भिन्न भिन्न है। क्या बात है, करने रूप क्रिया में जानना भाषित ना हो, जो बात मैंने अभी बताई ना, गुस्सा आ जाए तो विवेक पता नहीं कहाँ चला गया, अपनी ही चीजें तोड़ देता है, फोड़ देता है, नुकसान कर देता है, फिर बाद में बहुत पछताता, अरे अरे रे बहुत नुकसान हो गया, किसने किया था, कि वो जो करने वाला था ना वो मैं नहीं था, वो कुछ और ही थे। तो इसी प्रकार करने रूप क्रिया में जानना भाषित ना हो, और जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो, है। इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता कर्ता भिन्न भिन्न, वही चीज है। लेकिन आचार्य अमृत चंद्र तो जो है मस्ती में झूम झूम करके इस प्रकार से जो है कलश एक के बाद एक लिखते चले गए, और उनका यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हम सबको ये बात समझ में आ जाए कि हम सब कोई भी किसी भी अन्य पर द्रव के कुछ भी करता नहीं, ऐसा समझ में आ जाए, इसके लिए ये कही जा रही बात है ना। क्या बात समझ में आ गई आपको, करने रूप क्रिया का जानना भाषित ना हो, है ना, और जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो, ऐसी बात है। देखो क्या है, जानना ये तो है ज्ञान गुण का परिणमन, और करना वो है राग गुण का परिणमन, राग का है यानी विभाव रूप परिणमन। तो ज्ञान भी है, हम सबके पास ज्ञान भी है और राग भी है, है ना, ज्ञान भी है राग भी है, और ये दोनों ही गुण स्वतंत्र रूप से अपने अपने रूप से परिणमित हो रहे हैं। ठीक है, ज्ञान जान भी रहा है, राग जो है कर्तृत्व बुद्धि भी कर रहा है, सभी बात है, और उस कर्तृत्व बुद्धि के कारण इसको कर्मबंद भी हो रहा है, दोनों ही काम चल रहे हैं। देखो जानते तभी तो हम ये समझ रहे हैं समयसार कि क्या कह रहे हैं समयसार में, सब जानते हैं अपन तो। जानना, ये जानना ज्ञान गुण का काम हो रहा है, साथ के साथ जो राग है उसके कारण कर्मबंद भी हो रहा है, दोनों ही काम चल रहे हैं, लेकिन दोनों की स्वतंत्र स्वतंत्र व्यवस्था है, परस्पर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये समझना कि जितना भी आश्रव बंध है वो सब राग के कारण है, ज्ञान के कारण नहीं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव बंध का कारण नहीं होता है। यदि स्वभाव बंध का कारण हो तो जीव सदाकाल बंधता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो उसका स्वभाव है, सदाकाल रहेगा, तो मोक्ष कब जाएगा, नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जानना और करना ये पृथक पृथक है, यही चीज यहाँ पर बताई जा रही। देखो करने धरने संबंधी जो बात है उस बारे में भी यद्यपि बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी है, अब बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं करना चाहते, लेकिन है इसमें थोड़ी सी रिपीटेशन। हम जो सोचते हैं कि हमने किया
वो जो पर्द्रव्य में जो कुछ परिवर्तन हुआ वो तो हमने नहीं किया, लेकिन हमने परिवर्तन का एक विकल्प किया, बस ये है। क्यों? आप देखेंगे कभी कभी हम सोचते हैं कि इस वस्तु को हम ऐसा कर देवे, लेकिन जैसा चाह रहे थे वैसा ना होके कुछ और हो जाता है हमारे ही निमित्त से। जैसे कोई व्यक्ति छोटे छोटे जो है डॉगी के बच्चे हैं उनको बचाना चाहता था, है सड़क किनारे खेलते खेलते आ गए, गली में से चल के बाहर रोड पर आ गए, तो उसने देखा कि अरे कोई गाड़ी के आगे आकर के मर ना जाए बेचारे, तो उठा करके उनको लेकर के दोनों हाथ में उठा के और रख के दूसरी जगह गली में ले जाके छोड़ के आया, और फिर दूसरे बच्चों को लेने के लिए आया। तो वो जो पहले वाले चल करके वापस इधर की तरफ आ रहे थे रोड की तरफ, तो अब ये जल्दी जल्दी जा रहा था तो दिखा नहीं और पैर पड़ गया उसी के ऊपर। तो ये तो चाहता था बचाना और हो क्या जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसी प्रकार जगत में हम चाहते तो हैं कि ये कर दें वो कर दें ऐसा कर दें वैसा कर दें, लेकिन हमारे चाहने से होता है क्या? हमारे चाहने से कितने काम होते हैं और कितने नहीं होते हैं? बहुत सारे काम नहीं भी होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हम तो परद्रव्य के कर्ता नहीं बल्कि उनमें निमित्त वो उनके विकल्प के कर्ता हैं, विकल्प के कर्ता हैं, सिर्फ विकल्पों के कर्ता हैं। परद्रव्य की सीमा में तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश कैसे करेगा? सिर्फ विकल्प करते हैं, और जो कुछ भी बंद होता है वो सिर्फ इस विकल्प के कारण होता है। ये विकल्प भी बेकार नहीं है, बेकार नहीं मतलब इसका फल मिलता है। काम तो विकल्प के अनुसार होता नहीं, इसलिए निरर्थक है विकल्प, लेकिन वो विकल्प का फल मिलता है इस अपेक्षा वो। समझ गए आप? तो कहने का मतलब हम विकल्प करेंगे, काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन दंड जरूर मिल जाएगा। इसलिए विकल्पों से भी बचना चाहिए, निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, यही एक सबसे बड़ी बात है। समझ में आई बात? देखो, कोई यहाँ ऐसा भी प्रश्न कर सकता है कि हमने तो अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ज्ञानी जीवों को भी विकल्प करते देखा है, वे भी राग करते हैं, वे भी द्वेष करते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, बहुत काम करते हैं, और जबकि आप तो पीछे पड़ गए मिथ्या दृष्टि के, और वो दोनों के अपराध एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी आप तो पीछे पड़ गए मिथ्या दृष्टि के और सम्यक ज्ञानी के लिए तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? समझ में आई बात? प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर लेकिन इससे भी बढ़िया है। इसका उत्तर ये दिया कि देखो, ज्ञानी जीव भी विकल्प करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है ना वो थोड़े समय का है, क्षणिक है वो। कैसे? सुनिए उदाहरण, बहुत सुंदर है। कि कोई हरा भरा वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष था, हरे हरे पत्ते थे जिसके, उस वृक्ष की जड़ को किसी ने काट डाला नीचे से, ठीक है? तो अभी जब जड़ें कट चुकी है उसके बाद भी वे पत्ते हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हरा भरा दिख रहा है पेड़, लेकिन अब आप बताओ कि उसका हरा भरा कितने समय रहने वाला है? जिसकी जड़ कट चुकी वो पेड़ थोड़े ही समय में मुरझा जाएगा। इसी तरह से भले ही ज्ञानी के जीवन में भी विकल्प होते दिखाई दें, राग द्वेष होते दिखाई दें, लेकिन उनकी मूल जड़ तो कट चुकी। कौन सी जड़ थी? वो मिथ्यात्व की जड़ थी। वो मिथ्यात्व की जड़ कट चुकी, उसके बाद वो राग द्वेष वो विकल्प क्षणिक है, क्षण भर में निकल जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए ज्ञानी के जीवन में राग द्वेष होते हुए भी, विकल्प होते हुए भी, हमने उनको गौण कर दिया। उनको यहाँ समय सार में गौण कर दिया, कह दिया कि वो तो उनका कर्ता है ही नहीं, क्योंकि दिख रहा है ना वो थोड़े ही समय का है, घबराते क्यों, थोड़े देर में शांत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसी बात। ज्ञानी को राग भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उसमें अपनापन नहीं करता है, स्वामित्व नहीं करता है, इसलिए वो उनसे क्या बोलते अलग अलग बना रहता है, असंपृक्त पृथक बना रहता है। क्यों? क्योंकि जीव में एक स्व स्वामित्व नाम की शक्ति है, हैं 47 शक्तियां आएंगी इसमें, बहुत सारी। उन 47 शक्तियों में आती है, बहुत सारी शक्तियां आती है, त्याग उपादान शून्यत्व आती है, कई शक्तियां आती है। तो एक यहाँ जो है स्व स्वामित्व नाम की शक्ति बताइए, जिसका मतलब है कि जो द्रव्य है वो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वामी है, अन्य किसी पर द्रव्य का स्वामी नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपना ही
कर्ता धर्ता है, परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस प्रकार की बात है ना। इसके बाद में मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ डिटेल करना हो तो अभी और भी बहुत हो सकती है इसमें, लेकिन वो आपको मैं थोड़ा संकेत दे देता हूँ। जो जिज्ञासु लोग हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विस्तार से, उनके पास ये पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक को आप पढ़ना, इस पुस्तक में गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रवचनों के भी जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको संकलित किया गया है, तो और उनका भी और विस्तार जाना हो आपको, विस्तार की कोई कमी नहीं है, जितना विस्तार करना हो उतना ही कम है समय सार में, तो एक बहुत ही विस्तार है। यदि गुरुदेव श्री के प्रवचन देखें तो प्रवचन रत्नाकर नाम से पुस्तक है, क्या नाम है, प्रवचन रत्नाकर, कितनी बड़ी पुस्तक है, 11 वॉल्यूम है, 11 वॉल्यूम 11 भाग, एक एक पुस्तक लगभग 400-400 पेज मान लो आप, और 11 जिनके पार्ट है, मतलब सोचिए इतना बड़ा है, उतना विस्तार है, बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। जिनको जिज्ञासा है वो वहां से जान ले गए, है ना, आगे आगे ही बढ़ा जाए बहुत सारी बातें अभी तो है इसमें, काफी विस्तार है। देखो एक बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है 284 नंबर पेज पे, मैं बोल के भी बता सकता हूँ, बोल के ही बता देता हूँ, पढ़ने में समय जाएगा इसलिए प्रश्न ये बोल रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वाले हैं, छठे को तो थोड़ा लेना थोड़ा सा कम लग रहा है, ले सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ले सकते है ना, तो ये सब सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह का उदय है इनको, और उस चारित्र मोह के कारण राग द्वेष होते हैं इनको। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट राग 96 अध्यारणी, उत्कृष्ट द्वेष 6 खंड को जीतने के लिए युद्ध पे चले जाना, राग भी बहुत ऊंचा है, द्वेष भी बहुत ऊंचा है, चौथे पांचवें में और छठे में, मतलब भूमिका अनुसार ऑटोमेटिक कम होएगा वो आप लगा लेना। छठे गुण स्थान में भी राग तो है ही है, ये संसारी जीवों को समझाने का राग है, इनके लिए शास्त्र रचित दें, इनको उपदेश दे देवे, ये सब राग है, अपने गुरु के प्रति राग है। द्वेष भी, द्वेष माने क्या, द्वेष माने ये जो कसाएं, ये क्या बोलते हैं, शास्त्रों में कहानियां लिखते हैं, एक चोर था तो चोरी करता था, एक राजा था, तो ये सब जो विकथाएं हैं ये सब राग द्वेष भरी कहानियां, तो राग द्वेष भी चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में पाए जाते हैं, तो क्या ज्ञानियों को उन राग द्वेष का कर्ता नहीं कह सकते, ऐसा प्रश्न, ठीक है, राग द्वेष है तो क्या वो कर्ता नहीं है, कि उत्तर कह रहे कि नहीं कह सकते उनको कर्ता, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उन जीवों के जो श्रद्धा और ज्ञान में परद्रव्य का स्वामित्व खत्म हो गया, वो राग जो होता है ना वो उसके सिर्फ ज्ञाता रहते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जो हमारी वर्तमान में भूमिका है चौथे गुण स्थान की, इस चौथे गुण स्थान का स्वरूप ही ऐसा है, इस चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान संबंधी राग हो सकता है, पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यान संबंधी राग हो सकता है, हैं, छठे गुण स्थान में स्वंजलन संबंधी राग हो सकता है, ऐसा वे अपनी भूमिका के बारे में भली भांति जानते हैं, इसलिए वे उसके ज्ञाता रहते हैं, कर्ता नहीं बनते, ऐसी बात है। श्रद्धा उनकी कैसी है, श्रद्धा ठीक है, और जो थोड़ा बहुत राग होता भी है वो उदय की बलजोरी से होता है, उदय की बलजोरी ये शब्द ऐसा है कि इसमें से फिर एक नया क्वेश्चन बन जाता है फिर एक नया क्वेश्चन क्या बन जाता है, कि ये प्रश्न ये बन जाता है कि अच्छा कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय के बलजोरी से, इसका मतलब कर्म जीव को जबरदस्ती कुछ ना कुछ प्रभावित करता है, आप तो इतने समय से कह रहे थे कि कर्म प्रभावित नहीं करता है, जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पे चलता है, और ये तो बलजोरी शब्द आपने डाल दिया, तो ऐसा लगता है कि कर्म कुछ करता होगा निश्चित रूप से, ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या दिया, देखो इसका उत्तर, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बात यह है कि ज्ञानी को राग की रुचि नहीं है, उसका राग करने का अभिप्राय नहीं है, राग में उसका स्वामित्व नहीं है, तथापि राग होता है, चाहता नहीं है लेकिन होता है, क्योंकि वह भी समय समय की पर्याय का स्वयकाल रूप पर्याय धर्म है, तथा वे ज्ञानी जीव के पुरुषार्थ की हीनता का सूचक है। कर्म की बलजोरी का मतलब समझ गए, अरुचि पूर्वक होता है। देखो एक
कोई मित्र था जिसने कहा चल भाई मूवी देखने चलते। उसने कहा मैं मेरा मन नहीं, कि नहीं नहीं तू चलना, कि नहीं मेरा मन नहीं, देख मेरा बड़ा मन है, तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तू चल, तेरे बिना तो मैं जाता ही नहीं हूं। तो उनका चल भाई तेरा मन है तो तू चल, बाकी मेरा तो मन नहीं। चला वो, कौन चला? वो खुद चला, किसी ने थोड़ी दूसरे के पैरों से थोड़ी चला, अपने पैरों से चल के गया। चल के किसके पैरों से? स्वयं के से। लेकिन मन से गया कि बिना मन के? कि बिना मन के। इसीलिए कहा गया कि मित्र की बलजोरी से गया था, उसके बहुत विशेष आग्रह से गया था। ऐसे ही जो जीव कर्म रूप मतलब राग रूप परिणमित होता है, वो होता तो स्वयं ही है, होता तो स्वयं ही है, लेकिन बलजोरी किसकी? कर्म की। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्वक नहीं था, अनिच्छा, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। अरे कुछ इस तरीके की उसकी बुद्धि, इस तरह से काफी कुछ इसमें विस्तार किया हुआ है, बहुत कुछ। और भी एक बात बताइए इसमें, ये बताइए यदि कोई जीव ऐसा समझे कि ज्ञानी के तो राग होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं, तो ये मान्यता भी सही नहीं है। ज्ञानी के जीवन में भी दुख आते हैं, वो भी समय समय पर दुखी होता है, रोते हुए तक देखे हैं ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को, छाई सम्यक दृष्टि है। रामचंद्र जी जब सीता का अपहरण हो गया जंगल में, तो क्या कहते हैं? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मग हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं रामायण में। खग मृग, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? अरे जैसे अपन रास्ते भूल जाए, किसी को एड्रेस पूछना हो तो किसी इंसान को ही पूछते ना, कि देख भाई साहब जरा देखना ये एड्रेस किधर मिलेगा, ये पता कहाँ है, ये सज्जन कहाँ रहते हैं, इंसान को पूछते हम तो। लेकिन वो तो इतनी सुदबुद्ध खो चुके थे, सीता के राग में इतने आकुल व्याकुल हो चुके थे कि वहां जंगल में इंसान तो कोई था नहीं, और किससे रास्ता पूछ रहे? हे खग पक्षियों से, हे मृग हिरणों से, है मधुकर श्रेणी, जो जो छोटे छोटे कीड़े हैं जंगल में, है ये चींटियां हैं, इन सब से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानियों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आती है, लेकिन फिर भी वे अपने तत्व ज्ञान के बल से उनको सह लेते हैं। सुख दुख या संसार में सब काहू के होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो सोचता है कि ठीक है मेरा पुराना हिसाब पूरा हो रहा है, मैंने कोई कर्म ऐसे बांधे थे वे कट रहे हैं, इसलिए वो उनको शांत भाव से सह लेता है। लेकिन अज्ञानी को इस बात का पता नहीं होता, इसलिए वो उनको बदलने का प्रयास करता है, बदला जाता नहीं है और अधिक बिगड़ता जाता है, और इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, फिर रो रो करके किसी तरह समय बिताता है, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अनेक प्रकार की चीजें पूछते। हालांकि ठीक है वो अपने अपने भूमिका अनुसार होता है, गलत तो कुछ नहीं, निमित्त ज्ञान है वो भी, लेकिन कहने का मतलब वो बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है। ज्ञानी के जीवन में जो राग हुआ, अस्थिरता जन्य राग है वो, श्रद्धा तो उनकी पवित्र हो चुकी है, लेकिन वे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जो दृढ़ नहीं हुए शिथिल हैं, उसके कारण वो राग हुआ है, इसलिए वो उनके कर्ता कहे जाते हैं, कर्ता कहे जाते हैं वो। प्रवचन सार में 47 नए आते हैं, समय सार में 47 शक्तियां आती है, तो वो जो 47 नए है उनमें एक कर्ता नए है, एक अकर्ता नए है, कर्ता नए और अकर्ता नए, ऐसे नए भी आते हैं, तो उस कर्ता नए से ज्ञानी अपने राग भाव का भी करता है, अकर्ता नए से नहीं है, तो ये अपेक्षा भेद है। तो इस प्रकार से ऐसी भी चर्चा वहां पर आती है। इस प्रकार से ये जो आपका कलश 97 नंबर का जो कलश वो हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में 98 नंबर का कलश देखते हैं, देखा कहाँ है 98 नंबर का कलश, पेज नंबर 286 पे है, 286 पर है, ये देखिए यहाँ पर ये। कर्म में करता नहीं, अर कर्म करता में नहीं,
इसलिए करता कर्म की चिति भी कभी बनती नहीं। कर्म में है कर्म ज्ञाता, में रहा ज्ञाता सदा। साफ है यह बात फिर भी मोह है क्यों नाचता। हरी गीत ही है, लेकिन आज थोड़ी अलग तरीके से लय बैठ गई इसकी है। कर्म में करता नहीं और कर्म करता में नहीं, ये लय तो ऐसी है जो सब गाथाओं का पद्यानुवाद है, वही लय है, इसकी अलग कुछ नहीं है, वही बात है। शार्दुल विकृत छंद तो बहुत ही अच्छा है, शार्दुल विकृत था, लेकिन मैं संस्कृत ना पढ़ के सीधा हिंदी पढ़ दिया है ना। देखिए, कर्म में करता नहीं और कर्म करता में नहीं, इसलिए कर्ता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने कहा, अरे ये जो कर्ता कर्म कह तो रहे हैं, लेकिन कर्ता कर्म नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं, कर्ता कर्म नाम की तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। कि अरे ये क्या कह रहे हैं, आपने तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया और हमसे कह रहे हो कि कर्ता कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, कि जो नहीं है आप, कर्ता कर्म तो सिद्ध होता ही नहीं है। आप समझते हो कि कोई एक द्रव कर्ता है, दूसरा द्रव उसका कर्म है, तो ऐसा तो दो द्रव आपस में तो कभी मिलते ही नहीं है, तो मिलते ही नहीं तो कर्ता कर्म कैसे बनेगा, तो कर्ता कर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। ये लो जी, पूरा मतलब खारिज कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कहा कि अरे कर्ता कर्म तो बनता ही नहीं है, ऐसा कह दिया। अब इसका उत्तर क्या भाई, कर्ता कर्म नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा कर्ता कर्म है, कर्ता कर्म कैसे बनेगा, तो वो कहते हैं कि ये कर्ता कर्म अभिन्न षटकारक से बनता है। अभिन्न षटकारक मतलब स्वयं ही कर्ता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण माने साधन है, स्वयं ही संप्रदान यानी स्वयं के लिए ही वो कार्य करता है, स्वयं में से ही करता है और स्वयं के आधार से ही करता है। ये सब षटकारक है, स्वयं के लिए ही है, इसको बोलते अभिन्न षटकारक। तो जब कर्ता कर्म बनाना हो तो क्या होगा, अभिन्न षटकारक के माध्यम से बनेगा। कर्ता कौन, कि मैं, कि कर्म कौन, कि वो भी मैं ही मेरा करता हूं, इसका नाम है कर्ता कर्म। तो कह रहे कि कर्ता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं, कर्म में कर्ता नहीं और कर्म कर्ता में नहीं, इसलिए कर्ता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। कर्म में है कर्म, ज्ञाता में रहा सदा, ज्ञाता है, ज्ञाता में ज्ञाता रहता है, कर्म में कर्म रहता है। देखो, ज्ञाता तो है जीव और कर्म है अजीव, तो अजीव अजीव में रहेगा, जीव जीव में रहेगा, दोनों आपस में एक दूसरे में कैसे आ सकते हैं, अत्यंता भाव की जो दीवार है कि नहीं। तो इस प्रकार साफ है यह बात, फिर भी मोह है क्यों नाचता। सेकंड लास्ट नंबर का कलश है ये। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतनी क्षेत्र गाथाएं लिखी, इतना समझाया है, तो भी जीवों का मोह नाचता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है। ये ना मोह है, मोह वो नाच रहा है, नाच रहा है माने अपना प्रभाव दिखा रहा है, आकर्षित कर रहा है लोगों को। चौथी गाथा की टीका में बताया था कि मोह रूपी महाभूत मोह रूपी महाभूत संसार को चक्के के नाई पीस दिया है, सब लोगों को इसमें लगा दिया है। ऐसी टीका में है, मूल टीका में ऐसी वर्डिंग है वो। तो क्या कह रहे हैं कि ये मोह है क्यों नाच रहा है, ये हमको समझ में नहीं आता, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य किनको लगता है, जिसको गाड़ी चलानी आती है और कोई कहे कि मुझे नहीं आती है, तो बड़ा आश्चर्य, अरे क्या है, कुछ नहीं, सब आ जाता है ना। किसको लगता है, कि जिसको आ गई उसको नहीं आता ना, उसका आश्चर्य लगता है। तो ऐसे आचार्यों का तो मोह हो गया नष्ट, ठीक है, वो तो हो गए निर्मोही, और हमारा है मोह, तो उनको ये लगता है अरे कितना तो ईजी था, देखो हम तो पार हो गए, कितना तो ईजी है, कुछ भी तो नहीं है, निकल जाता है, कुछ नहीं है मोह, पता नहीं, हम तो इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, क्षेत्र गाथाएं लिखी, सब बताया, लेकिन इन लोगों का मोह खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, ये मोह क्यों नाच रहा है, ये हमको समझ में नहीं आता है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये जो कर्ता कर्म की जो स्थिति कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके
गुरुदेव श्री कान्ह जी स्वामी के ये प्रवचन है, दो पेज इसमें जो है कोटेशन के रूप में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। काफी कुछ तो बातें हो गई, लेकिन चलो मैं बीच में से एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, क्योंकि इतना सारा पूरा का पूरा स्किप नहीं करता हूँ, एक अंश लेता हूँ थोड़ा सा। 289 नंबर के पेज पर है, सेकेंड पैराग्राफ। लौकिक जन ऐसा मानते हैं कि जड़ का कार्य जीव कर सकता है, जड़ का काम जीव कर सकता है, परंतु उनका ऐसा मानना भ्रम है। तन मन वचन धन दौलत आदि सब पुद्गल हैं, आत्मा इन सबसे भिन्न है, इस कारण जड़ पुद्गल की अवस्था का आत्मा कर्ता नहीं है। धन दौलत कमाना, मकान बनाना आदि कार्य आत्मा के नहीं है। हाँ, अज्ञानी द्वारा राग द्वेष मिथ्यात्व आदि के जो अज्ञान भाव होते हैं उन्हें अज्ञानी ने किए ऐसा कहा जाता है। ज्ञाता तो सदा ज्ञाता में ही है, कर्म सदा कर्म में ही है, जब पर के कर्तृत्व की बुद्धि छूट जाती है तब मैं ज्ञायक हूं, ऐसी बात। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हम परद्रव के जो कर्ता बनते हैं, हैं कर्ता कहे भी जाते हैं, वो सिर्फ असत भूत व्यवहार नहीं से कहे जाते हैं, एक्चुअल में है नहीं वो। इस तरह से ये जो है 98 नंबर का कलश हुआ, लास्ट कलश जो है इस अधिकार का, दूसरे कर्ता कर्म अधिकार का लास्ट कलश 99 नंबर का जो कलश, उसका भी हिंदी पढ़ता हूँ, बनारसीदास जी वाला है, इन्हीं का है कि दादा का, ये भी जग मग जली ज्ञान ज्योति सब, अति गंभीर चित शक्तियों के भार से, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से, तब कर्म कर्म नहीं करता करता न रहा, ज्ञान 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 रूप हुआ आनंद अपार से, और पुद्गल मई कर्म कर्म रूप हुआ ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से। जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति सब, जहां एंड हो रहा है ना वहां स्टार्टिंग याद आ रही है। अब ये ज्ञान ज्योति कब कब आया है आपने याद करिए, बहुत समय पहले, अब बहुत दिन हो गए हमको ज्ञान ज्योति को याद करे। ये ज्ञान ज्योति को हमने याद किया था, कब किया था, जब अधिकार की शुरुआत होती है तब हम याद करते हैं, जब किसी अधिकार की शुरुआत होती है समाप्ति होती है, सबसे पहले जब समय सार शुरू किया था हमने बहुत पहले, तब भी ज्ञान ज्योति को नमस्कार हुआ था, है, जब जीवा जीवाधिकार समाप्त हुआ था तब भी ज्ञान ज्योति को याद किया था, जब कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ था तब भी ज्ञान ज्योति को याद किया था, और अब इस कर्ता कर्म अधिकार की समाप्ति हो रही है तो भी ज्ञान ज्योति को याद किया जा रहा है। ये ज्ञान ज्योति को क्यों याद किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान ही तो एक ऐसी ज्योति है जो हमको ये ज्ञान कराती है कि ये कर्ता कर्म आपस में भिन्न भिन्न है, ये जीव जीव परस्पर भिन्न भिन्न है, हमने जीव जीव को एक मान लिया, कर्ता कर्म को एक मान लिया, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न दो द्रव्य हैं, जिसका ज्ञान हमको ये ज्ञान ज्योति ही कराती है। इसलिए मंगलाचरण में, समय सार का जो मंगलाचरण है कुंद कुंद आचर्य का, उसमें तो सिद्धों को नमस्कार किया, बात बराबर है, वंदित तो सब सिद्धे कह के, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी आचार्य अमृतचंद्र किसको नमस्कार कर रहे हैं, आपको पता है ना सबके अलग अलग मंगलाचरण है, आचार्य कुंद कुंद का अलग है, हैं अमृतचंद्र जी का अलग है, सबके अलग अलग मंगलाचरण है, हुकुमचंद जी भारिल ने अपना लिखा है, तो सबके मंगलाचरण अलग है, सबने अलग अलग किसी न किसी को नमस्कार किया, तो अमृतचंद्र आचार्य ने किसे नमस्कार किया, देखो प्रश्न यदि घुमाना हो एग्जाम में थोड़ा सा भी, और वहां ये पूछ ले कि समय सार में आत्मख्याति में और आचार्य अमृतचंद ने किसे नमस्कार किया, ऑप्शन में दे देवे सिद्ध, तो झट से लोग सिद्ध कर देंगे, सिद्ध नहीं, सिद्ध तो आचार्य कुंद कुंद ने किया नमस्कार, आचार्य अमृतचंद्र ने तो ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, वो कह रहे कि मैं तो किसी को नमस्कार नहीं कर रहा, मेरा तो आत्मा की जो ज्ञान ज्योति है वही तो निर्णय देगी मुझे, वही तो ज्ञान कराएगी, तो वो जो है स्वयं आत्म ज्योति को, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार कर रहा है, ऐसा है, ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता है। जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, अति गंभीर चित्त शक्तियों के भार से, चित्त शक्तियां चैतन्य शक्तियां माने उसके गुण धर्म, अद्भुत अनुपम अचल अभेद जो, ये सब विशेषण है, वह ज्योति अद्भुत है, अनुपम है,
उस जैसी कोई आतप और उद्योत, आतप और उद्योत नाम के गुण होते हैं जगत में जो प्रकाश है उसका। सूर्य का प्रकाश आतप युक्त है, चंद्रमा का प्रकाश उद्योत युक्त है, लेकिन ये जो ज्ञान ज्योति है ना तो इसका प्रकाश आतप वाला है और ना ही उद्योत वाला है, दोनों ही नहीं है। अद्भुत अनुपम अचल अभेद वो ज्योति अभेद है, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर्पण, धीर वीर शब्द ये भी याद कर लो, ये विशेषण है, धीरोदात धीर वीर ये शब्द आए हैं पहले अधिकार की शुरुआत में आए हैं, है ना, तो उसी ज्ञान ज्योति को। अच्छा आप कहोगे ये पहले ही कर लिया था मंगलाचरण, अभी दोबारा मंगलाचरण थोड़े, अब तो एंड होने को आ गया, अब मंगलाचरण एंड में थोड़ी होता है, शुरू में ही तो करते हैं कि नहीं। मंगलाचरण तीन तीन बार पाया जाता है, आदव मध्य अवसाने च मंगलम भाषितम बुधई, कि जो बुद्धि है कि जो बुद्धिमान लोग हैं विद्वान लोग हैं वे ग्रंथ की आदि में मध्य में और अंत में तीन तीन जगहों पर मंगलाचरण करते हैं। भक्तांबर में जो 26वां जो श्लोक है, है तो भ्यम नमस्त्रुवनाति हराय नाथ, वो क्या है मंगलाचरण, ये मध्य वाला, तो मध्य मंगलाचरण भी होता है अंत मंगलाचरण भी होता है, तो ये अंतिम मंगलाचरण है अधिकार की समाप्ति पर किया जाने वाला मंगलाचरण, जिस ज्ञान ज्योति से शुरुआत की उसी ज्ञान ज्योति से समाप्ति कर रहे हैं, ऐसा है ये ज्ञान ज्योति की महिमा है। जगमग जली ज्ञान ज्योति जब अचल है, देखो क्या क्या विशेषण दी, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, अचल माने द्रव्य की बात है, व्यक्त माने गुणों की बात है, और चैतन्य शक्तियां माने पर्यायों की बात है, द्रव्य गुण पर्याय युक्त जो द्रव्य है आत्मद्रव्य वही तो ज्ञान ज्योति है। आत्मा बोलो ज्ञान ज्योति बोलो, ज्ञान किसे होगा कि आत्मा को होगा, तो उसी आत्मा की बात है, है ऐसा। सोचो दुनिया में बहुत देव हैं लेकिन ये जो आत्मदेव है ये सर्वोत्कृष्ट देव है। एक बार दो बच्चे खेल रहे थे, गडरिये जो होते हैं गायें चराते हैं बच्चे, गोपाल हैं गायों को चराने वाले बच्चे, तो जंगल में खेल रहे थे तो वहां एक सांप आ गया, तो दोनों बच्चे दौड़े हैं, तो कहानी है, तो सांप बोला मैं बहुत बड़ा, देखो मेरे डर से बच्चे भाग गए, मैं बहुत बड़ा। तभी वहां पर किसी ने कहा भाई तू काहे का बड़ा, तुझे तो शंकर जी के गले में लटकना पड़ा, तू काहे का बड़ा। तो शंकर जी बोले वहां उधर बैठे बैठे गिर कैलाश से, ओ मैं बड़ा। तो हिमालय पर्वत बोला अरे तुम काहे के बड़े, तुम्हें तो मेरे ऊपर मतलब बैठे रहना पड़ा, टिके रहना पड़ा अडिग। तो हिमालय पर्वत बोला कि मैं बड़ा है। फिर जो है कोई बोले बाली जिसने वो हिमालय पर्वत को भी हिला दिया था ना, कि मैं बड़ा। अरे तू काहे का बड़ा, तुझे तो राम जी के चरणों में झुकना पड़ा। फिर राम जी बोले कि मैं बड़ा। तो राम जी बोले अरे मैं भी काहे का बड़ा, मैं भी जिस आत्मदेव को झुकता हूँ वो सबसे बड़ा है कि नहीं। तो दुनिया के सारे देव भले ही कुछ भी हों कितने भी बड़े हों, लेकिन वे सब देव जिसकी आराधना में लगते हों, जिसकी ओर झुकते हों, जिसको मानते हों, जिसको पूजते हों, वो आत्म तत्व है। वे जो जो जीव अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा बन जाता है, जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा बन जाता है। अप्पा सो परमप्पा, सीधी सीधी सी गणित है, सीधा सा रास्ता है। सीधा सा रास्ता है। जगत में कई देव ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो बड़े हैं ही हैं, कोई भी हमारे समकक्ष नहीं हो सकता, समकक्ष माने हमारे लेवल में ही नहीं आ सकता। और दूसरे जीव भी सब ये मानते हैं कि ब्रह्म तो अद्वितीय सत्ता है, हैं कोई उसके करीब नहीं आ सकता। मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि जो अल्लाह का स्थान है वहां तक तो हम तो अल्लाह के बंदे हैं, वो तो स्वामी, हम तो उसके सेवक हैं, हैं। और वो जो मुस्लिम ईसाई लोग है वो भी कहते हैं वो तो परम पिता है, हम तो उसके जो है बच्चे हैं, तो वो पिता पुत्र का संबंध कर लेते हैं। मुस्लिम लोग जो है स्वामी सेवक का संबंध बना लेते हैं। तो सब अपने अपने ईश्वर को बहुत ऊंची सत्ता मानते हैं और सब उसके नीचे बने रहना पसंद करते हैं।
और वो कहते हैं कि सदा सदा हम तो आपकी सेवा में लगे रहें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। ऐसे भजन लिखते हैं, ऐसे गीत लिखते हैं, ऐसी भावना भाते हैं, और उनके ग्रंथों में ऐसी बात है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर हम ही नहीं, हमारे ईश्वर खुद कह रहे हैं कि अरे हमारा और तुम्हारा पद तो एक जैसा ही है, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे पहले, और तुम भी चाहो तो हमारे जैसे बन सकते हो अभी। ऐसा आत्म तत्व है ये, ऐसा आत्म तत्व है जिसकी कोई मुकाबला नहीं, जिसकी कोई बात नहीं, ऐसी गजब बात है। ठीक है, जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब, अति गंभीर चित्त शक्तियों के भार से, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से। तब कर्म कर्म नहीं करता, करता न रहा। लो, करता कर्म अधिकार, जस्ट इसके पहले वाले कलश में क्या कहा था, ये कहा था ना कि ये, एक मिनट देखो क्या कहा था वो सेंटेंस, नहीं 98 नंबर में ये कहा था, कर्ता कर्म की चिति भी कभी बनती नहीं, कर्ता कर्म की चिति भी कभी बनती नहीं, यानी कि कर्ता कर्म बनता ही नहीं है, ये जो कहा था। यहां पर भी क्या कह रहे हैं, बनेगा कैसे, ये तो अज्ञान से हम समझ के बैठे हैं, बनता तो नहीं है लेकिन अज्ञान से हम समझ के बैठे हैं कि ये करता, हम करता ये कर्म, ऐसा अज्ञान है ये। तो वो अज्ञान जैसे ही ये जगमग जगमग ज्योति जलने लगी, वो अज्ञान खत्म हुआ, खत्म होते ही हमको साफ नजर आ गया कि ये कर्म कर्म है, ये करता करता है, अलग अलग दिख गए। तब कर्म कर्म नहीं करता, करता ने रहा, करता अलग दिख गया, कर्म अलग दिख गया, दोनों बिल्कुल साफ नजर आ गए। किसका कमाल है कि ज्ञान ज्योति का कमाल, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से, यानी कि सम्यक तो प्रकट हो गया, सीधी बात है, चार मिथ्या बुद्धि चली गई, सम्यक प्रकट हो गया, आनंद पार मिल गया। कैसा अपार आनंद होता है, सिद्धों की जाति का सुख होता है, सिद्धों की जाति का सुख, गजब है भाई, गजब है, ऐसा सुख की तो क्या तुलना करे। और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ ज्ञानी पार हुए भव सागर अपार से। लो, और ज्ञानी का क्या हुआ, कितना समय, ज्यादा से ज्यादा अर्थ परावर्तन है, पुद्गल माने द्रव परावर्तन, द्रव परावर्तन पांच परावर्तनों में सबसे छोटा है, उसका भी जो आधा हिस्सा, यानी आधा द्रव परावर्तन करने में जितना समय जाए उतना समय अधिकतम संसार की स्थिति रह जाती है, है ना? और अनादिकाल के आगे वो कुछ भी नहीं है, यद्यपि सुनना, यद्यपि वो जो पुद्गल परावर्तन है ना, उसमें उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। सुनना, घबराना, बहुत घबराहट होती है। क्या, जो पुद्गल परावर्तन है, एक पुद्गल परावर्तन पूरा का पूरा हमले में, तो उसके अनंत में भाग में, पहले तो अनंत में भाग करो और फिर जितना भाग आएगा उसमें भी अनंत सागर होते हैं, इतना बड़ा होता है वो, सोचो आप, और उसका आधा हिस्सा, समझ गए, बहुत बड़ा है वो पार्ट, लेकिन फिर भी यूं कहते हैं कि अनादिकाल के सामने वो कुछ भी नहीं है, समुद्र में बूंद के समान कुछ भी नहीं है वो, ऐसी बात है, विचित्र बात है, देखो है? तो ज्ञान ज्योति के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति वो नष्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है कि फिर जो ये नाटक है ना, नाटक के रूप में लिखा है, कर्ता कर्म अधिकार किस रूप में लिखा, नाटक के रूप में ही तो लिखा, ये चर्चा भूल मत जाना, शुरू में बताई थी मैं, जब 69 नंबर की गाथा शुरू हुई थी उसके पहले ही बताई थी ये बात। तो ये जो है नाटक के रूप में लिखा था, ये नाटक चल रहा था जिसमें दो पात्रों ने एक रोल किया, दो पात्र थे, जैसे दो बच्चे होते हैं, घोड़े का एक पूरा वो होता है डिजाइन जैसे बना हुआ, उसके अंदर दो बच्चे बैठ जाते हैं, दोनों की दो दो करके चार टांगे, घोड़े की भी चार टांगे, तो ऐसा रोल करते हैं ना, दो लोग मिलकर एक रोल, तो ऐसे ही कर्ता कर्म दोनों मिलकर के एक रोल कर रहे थे मंच पर इतने समय तक, क्षेत्र गाथा तक। अब वो जो ज्ञान ज्योति जगमग जगमग हुई है, वैसे ही लोगों ने उसे पहचान लिया, और कुछ नहीं कुछ नहीं, ये एक नहीं है भाई, ये एक नहीं है, सावधान, एक नहीं है, दो है, दो है। सब लोग बोले अच्छा अच्छा दो है, अरे अभी तक हम एक समझ रहे थे, ओहो गजब हो गया, दो है, सब लोग चिल्लाने लगे दो है। दो शब्द सुनते ही वो दोनों बच्चे बाहर निकल गए और चले गए,
चले गए और पर्दा गिर गया, पर्दा गिर जाता है नाटक में, तो एक दृश्य पूरा हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, जैसे जीव अजीव दोनों एक होकर के आए थे, फिर ज्ञान ज्योति से पता चला दोनों भाग गए, ऐसे ही कर्ता कर्म एक होके आए, फिर ज्ञान ज्योति से पता चला फिर दोनों भाग गए। इस प्रकार से ये जो है कर्ता कर्म अधिकार भी बहुत जल्दी जल्दी करके मैंने आपको अंतिम जो सात छंद तो काफी जो है स्पीड से बताए हैं। इसके अलावा अभी मैंने सोचा तो ये था कि आज आपको कुछ समरी भी देऊंगा, लेकिन आज तो नहीं दे सकता है, फिर कभी दे देंगे। इस तरह से आज के लिए यहीं विश्राम लेंगे। आज जो है ये कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया है, और कभी जब अगली कक्षा जब होगी तो उसमें हम इसके पूरी एक समरी भी बता देंगे, पूरे कर्ता कर्म अधिकार के एक साथ। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।